नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका और इसके बाद में पेशेंट को वापस कब डॉक्टर को दिखाने जाना है या पेशेंट को बाद में क्यों बुलाया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट जब ट्रीटमेंट का कोर्स चल रहा होता है उस टाइम पूरे सिंसियर रहते हैं, पूरा इलाज हो गया उसके बाद हम कहते हैं जांच करके कि हाँ अब एकदम ओके लग रहा है, उसके बाद ये लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया और वो घर पे बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा तो हो गया, जो ट्रीटमेंट का शेड्यूल पूरा हो गया, लेकिन उस पेशेंट का इलाज पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि जो इलाज हम कर रहे हैं उसके साथ साथ में उस इलाज से संबंधित या और भी कोई प्रॉब्लम है उनको हमें फॉलोअप रखना पड़ता है। कैंसर के मरीजों में ज़्यादातर हम 5 ईयर सर्वाइवल बोलते हैं, मतलब 5 साल तक पेशेंट किस तरह से जिए बीमारी के साथ या बीमारी ठीक होने के बाद। बीमारी ठीक होने के बाद में 5 साल तक वापस कोई बीमारी नहीं आई तो उसे हम डिजीज फ्री सर्वाइवल बोलते हैं। कई कैंसर से उनमें 10 साल का है, कई में 15 साल का है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर का 5 साल का रखा है। जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अलग अलग फेज होती है। एक होता है इंटेंसिफाइड फेज, कंसोलिडेटेड फेज या मेंटेनेंस फेज। अगर किसी बीमारी का इलाज सिर्फ इंटेंसिफाइड फेज में पूरा हो जाता है और सारा ट्रीटमेंट हो गया और डिजीज नहीं है अभी, अगर सारी जांचों में देख ली तो उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने के बाद में कुछ हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की टेबलेट चालू रखनी पड़ती है। तो जब हम टेबलेट चालू रखते हैं तब तो जो शेड्यूल है कोर्स में उस हिसाब से आना ही आना है, चाहे वो 3 महीने से दे रहे हैं हम, चाहे 6 महीने से दे रहे हैं या 1 महीने से दे रहे हैं, उस हिसाब से आना होता है। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि भाई कंप्लीट कर दिया रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और अब कोई भी टेबलेट नहीं दे रहे हैं कैंसर रोकने के लिए, तब हमें कब आना है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये हम आधी बात सुन के अगर निकल लेंगे तो हमें नहीं ये नहीं पता चलेगा कि हमें क्यों आना है। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो पहली बार 1 महीने के बाद में आना है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट का कोई एक्यूट इफेक्ट हो या डिजीज का कुछ पार्ट अगर बचा हो तो उस टाइम देखा जा सकता है, अगर ट्रीटमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड टाइम 1 महीने पे आए और इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आए तब हमें, जनरली मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर कैंसर्स की बात कर रहा हूँ, 90% से ज़्यादा कैंसर्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ कैंसर में एक्सेप्शन हो कि जल्दी बुलाना पड़ जाए, जनरली 3-3 महीने से बुलाएंगे हम, पहले 2 साल तक, 3 महीने से, 4 महीने से, किसी कैंसर में 6 महीने से, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं करते, पहले वाले 2 साल ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद। जब 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में हम उसको 6 महीने पे डाल देंगे कि हर 6 महीने से एक बार, मतलब साल में 2 बार आना है। 5 साल तक ऐसा करते हैं, 5 साल के बाद में जो ट्रीटमेंट रिकरेंस के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। तो अब हमें पेशेंट को एक एक साल से, अगर फिजिबल हो तो उसको हर साल आना चाहिए, क्योंकि 1 साल में जब भी आएंगे तो इससे संबंधित या कोई और चीज़ से संबंधित उसका वर्कअप हो जाता है। इस कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्यों बुलाते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें बुलाना पड़े। मैं आपको बताऊं कि जिस पेशेंट के कैंसर हो गया उसके शरीर में कैंसर की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, चाहे वो जेनेटिकली ससेप्टिबल हो, उसके जीन में कोई डिफेक्ट हो या कोई कमी हो जो कैंसर को रिमूव करने में परफेक्ट नहीं है, चाहे उसके रिस्क फैक्टर्स जैसे टोबेको है, एल्कोहल है या कोई और एनवायरमेंटल, जो आसपास का एरिया है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे क्या कार्सिनोजेनिक अवेलेबल है, वो रिस्क फैक्टर
आगे भी अफेक्ट डालते रहेंगे। तो एक तरह का कैंसर हो गया, हो सकता है उसमें दूसरा भी हो सके, इसलिए उन रिस्क फैक्टर्स का कॉमन होना। तीसरी बात, जो कैंसर हुआ है उस जगह पे माइक्रोस्कोपिक सेल्स पड़ी हो जो हमें किसी भी जांच में नहीं दिख रही हो, और वो अभी कंडीशन उचित नहीं है, इसलिए सुषुप्त अवस्था में है। लेकिन कभी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है किसी कारणवश, या वो सेल को उचित एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वापस ग्रोथ करके रिकरेंस, रिकरेंस मतलब जो बीमारी पहले थी वही वापस आ गई, तो वो हो सकती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है, जब हम मरीज को बुलाते हैं तो सबसे पहला तो उसकी हिस्ट्री कि वो कैसा है, कोई नई तकलीफ तो नहीं बन गई, कोई उसके और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। सेकंड, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे बीमारी थी वहाँ का एग्जामिनेशन तो करना ही करना है, उसका रीजन जो लिम्फेटिक सप्लाई में होता है उसका करना है। प्लस में जब हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट बताता है मेरे ये प्रॉब्लम है, तो उस पार्ट का भी हमें एग्जामिनेशन करना है। और आप जनरल लुक एक बार पेशेंट का देख लें तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कुछ अगर बदलाव है तो, उसके चाल ढाल से हैं, उसके बैठने से हैं, उसके बोलने के तरीके से हैं, उसके फेस के जो रीडिंग है उससे ये आइडिया हो जाता है कि इसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो एक हमारा हिस्ट्री हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस अगर रिक्वायर्ड है तो, या फिर कुछ एक डिजीज में कराने ही होते हैं, जैसे मान लो ट्यूमर था तो ट्यूमर मार्कर्स अगर बढ़े हुए थे ट्यूमर के टाइम में, वो ब्लड सैंपलिंग में उस ट्यूमर से संबंधित सब्सटेंस मिलते हैं तो हम फॉलोअप में भी वो ट्यूमर मार्कर कराएंगे, जिसे गांठ दिखे उससे पहले ब्लड में वो जांचे में पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ इसके शरीर में कहीं ना कहीं ऐसे कोई कैंसर अभी भी पड़ा है। तो वो ट्यूमर मार्कर करा लिया, कोई इमेजिंग करा ली, सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन जिसकी रिक्वायर्ड है। फिर चौथी चीज़ आती है कि उसकी लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है तब तो बहुत बढ़िया, एनकरेज करना है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वो पेशेंट अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर उसकी हैबिट्स में स्मोकिंग, एल्कोहल या सिडेंट्री लाइफ स्टाइल या जंक फूड्स ये जुड़े हुए हैं, तो हमें काउंसलिंग या हम बात करते हैं तो उन चीज़ों को दूर रहने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, या अगर मेडिकेशन की भी ज़रूरत है अगर उनको छुड़ाने के लिए तो वो दे सकते हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर उसकी हेल्दी रहेगी तो अगले कैंसर आने के चांस कम रहेंगे। तो ये भी इसी का पार्ट है, फॉलोअप का पार्ट है। इसके अलावा आता है कि जो कैंसर था उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी रह गई, जैसे मान लो गले का कैंसर था, रेडियो थेरेपी लग गई, आवाज़ चेंज हो गई, लार सूखने लग गई, या पेट में कहीं था या छाती में था तो वहाँ रेडियो थेरेपी लग गई तो खाने में कोई दिक्कत आने लगी, या बच्चेदानी के कैंसर में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बाद में पेशाब में खून आना या लेटरिन में खून आने की समस्या रहती है। इन चीज़ से संबंधित बात करके इनका निवारण करना कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कुछ कम तो करें। इसके अलावा था जो हमने ट्रीटमेंट दिए इसकी सिक्योली या ट्रीटमेंट की वजह से सेकंड कैंसर, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो खुद म्यूटोजेनिसिटी डेवलप करता है, मतलब खुद कैंसर डेवलप करता है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो जीन को अफेक्ट करके तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसी जीन के अफेक्ट होने से जो हेल्दी सेल्स हैं उनमें भी कई जीन डिफेक्ट हो जाते हैं तो वो नए कैंसर के लिए प्रोवोक करते हैं। तो हमें दूसरे कैंसर का जो कीमोथेरेपी दी है उसके अनुसार दूसरा क्या कैंसर हो सकता है उसके अनुसार हम लोगों को उनका वाच करना होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कैंसर पूरा ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में आप लोगों को ट्रीटमेंट या यूँ मानो कि फॉलोअप छोड़ना नहीं होता, डॉक्टर के पास में रेगुलर टाइम पीरियड्स हैं, जैसे वो बुलाएं, ज़्यादा नहीं तो 3 महीने से एक बार, 2 साल तक, उसके बाद 6 महीने से हर हालत में जाएं। और ये जितना कैंसर का ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट था उतना ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। वैसी बात होती है, इलाज कराया, इलाज कराते ही रवाना हो लिए कि अब हमें दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा, तो वो बात हो गया कि आपका काम अभी आधा हुआ है। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी क्यों क्यों ज़रूरी है,
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें आगे आने वाली कोई समस्या से बचना है तो ये काम हमें करना है। इसके चलते चलते ही अगर आ गया तो हमें कम से कम कम स्टेज में तो पता लग जाता है, इसके दौरान स्क्रीनिंग भी होती रहती है पेशेंट की, तो छोटी स्टेज में पता लग जाए तो हम जल्दी काबू कर सकें डिजीज़ को। बाकी डिजीज़ आना नया ना एक अलग इश्यू है, मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कोई एक फैक्टर को रोक के हम कैंसर को नहीं रोक सकते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इस पर काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को रेगुलर फॉलोअप पे रहना होता है। धन्यवाद।